अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं काशिफ, आप देख रहे हैं इन्फो वर्ल्ड। 11.5 डे हो चुके हैं, इसराइल और हमास के दरमियान कशीदगी जो है वो बरकरार है। इसराइल मुख्तलिफ मिसाइल हमले कर रहा है, रॉकेट बरसा रहा है, फलस्तीन के मुसलमानों को ऊपर जुल्म व जबर कर रहा है। काफ़ी दिन हो चुके हैं, हमास की तरफ से भरपूर जो है वो जवाबी कार्रवाई की जा रही है। नाजरीन, इसराइल के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक इसराइल की जो स्ट्रेटजी थी फलस्तीन को दो हिस्सों में डिवाइड करने की, उनके मुताबिक उन्होंने अल जजीरा टीवी पर बात करते हुए अपने ख्याल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसराइल की जो एक स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने फलस्तीनियों को तोड़ना है, फलस्तीन को डिवाइड करना है, अब वो पहली दफा हुआ है, बहुत सालों बाद पहली दफा हुआ है कि इसराइल की जो स्ट्रेटजी है वो नाकाम हुई है। इसराइल अपनी स्ट्रेटजी में पीछे हटा है, उसने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई थी उसमें वो मुकम्मल नाकाम हो चुका है, अब उसको पीछे हटना पड़ा है। अब इसराइल जो है वो अपनी नाकामी को लेकर मुंह छुपाते हुए अब पीछे चला गया है। इसराइल अपना जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एयर डूम टेक्नोलॉजी की वजह से अपने आप को सेफ रखे हुआ था, और जो भी आ रहे थे मिसाइल आ रहे थे, जो भी रॉकेट आ रहे थे एयर डूम टेक्नोलॉजी की वजह से उनको कुछ खतरा में वो तबाह करने में कामयाब हो रहा था, और किसी कुछ जो है वो उसके लोकल एरिया में जो है वो गिर रहे थे। जो इसराइल की आबादी है और इसराइल के जो लोग हैं, चूंकि कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, पाकिस्तान, तुर्की, उसके बाद रूस, मिस्र के जो प्रेशर है, और अमेरिका भी जो है वो मुख्तलिफ ट्वीट्स कर रहा था कशीदगी पे, जो है वो बहुत ज्यादा हैरानगी का जो है वो इजहार कर रहा था। तो जो मिडल ईस्ट है उसमें काफी ज्यादा कशीदगी पाई जा रही थी। इसराइल के अंदर मुख्तलिफ औकात में ये वीडियो आप साथ देख सकते हैं कि सायरन बज रहे हैं और आवाम जो है वो भाग रही है, जो शेल्टर बम शेल्टर बनाए हुए हैं उसके अंदर भाग रहे हैं। इसराइल का वजीर आजम जो है वो पीछे हटने को जो है वो नहीं था, तैयार नहीं था। वो कह रहा था मैं अपनी कार्रवाइयां जो है वो मैं जारी रखूंगा, हमास जो है वो भी करता है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। आज तक की डेट में 242 जो है वो इसराइल की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक 242 मुसलमान फलस्तीन के वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें 65 जो है वो बच्चे भी थे। मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर मिसाइल जो है गिराए गए इसराइल की तरफ से, रॉकेट जो है उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो मिसाइल इसराइल के ऊपर फेंके गए हैं, ज्यादा बिल्डिंगों को निशाना बनाया, स्कूल्स भी निशाना बने, हॉस्पिटल को निशाना बनाया, लेकिन हमास जो है वो भरपूर उसको जो है वो जवाब दे रहा था। लास्ट डे लबनान की तरफ से भी 4 रॉकेट फायर किए गए, जिसमें से एक वो नकारा बना सका इसराइल, और बाकी जो है वो 3 मुख्तलिफ जगहों पे जाके गिरे हैं, वो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी। नाजरीन, अब नई अपडेट जो है बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब ये जो खाना जंगी और जंग का जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये जंग जो है वो मिडल ईस्ट में फैल जाएगी और इसकी वजह से जो करीबी ममालिक हैं वो भी इसकी जद में आ जाएंगे, तुर्की जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर बिल्ड किए हुए था। रूस ने लास्ट दिन जो उसकी मिनिस्ट्री थी, फॉरेन मिनिस्ट्री, उसने ट्वीट किया कि जो है वो इसराइल बाज आ जाए, अब किसी किस्म की जो इस तरह की जारहीय जो है वो सिविलियन के ऊपर बर्दाश्त नहीं की जा रही थी। अब नाजरीन, जो लेटेस्ट अपडेट है, अब एक नई कंट्री जो है वो उसमें एड हो चुकी है, और उस कंट्री ने जो है वो अब बहुत बड़ी पेशरफ्त की है। लास्ट डे मिस्र के प्रेसिडेंट जो है अब्दुल फाते अल असीसी ने प्रेसिडेंट यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ बातचीत की है, और दोनों फलस्तीन साइड से और दूसरा इसराइल साइड से जो आपस में कशीदगी चल रही थी उसके ऊपर तफसीली बात हुई है, और दोनों के जो मामलात हैं उसको बैठकर डायलॉग के साथ तय करने की और जंग बंदी की जो है वो आपस में बातें की हैं। मिस्र के जो प्रेसिडेंट हैं, अब उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि दोनों जो फ्रीकैन हैं, हमास की तरफ से, दूसरा इसराइल की तरफ से, इसराइल के प्रेसिडेंट की तरफ से आमादगी जाहिर कर दी गई है कि वो जंगबंदी पे तैयार हैं। हमास दूसरी तरफ कह रहा है कि ये हम जंगबंदी पर तैयार हैं, अगर इसराइल की तरफ से किसी किस्म की जारहियत की जाती है तो हमास दोबारा से हमास उसको भरपूर जवाब देगा। अब हमास जो है वो इसराइल के किसी तरह के बहकावे में, किसी तरह के दबाव में या उसके ड्रावे में अब नहीं आएगा। दूसरी तरफ से हमास की जो क्यादत है उन्होंने भी
जो है वो ट्वीट किए हैं, उन्होंने भी जो है अलजीजरा टीवी पे जो है वो उन्होंने बयान दिया है कि वो भी अमादा है, वो जंगबंदी करने पे तैयार है, लेकिन इसराइल जो है वो अपनी हरकतों से बाज रहे। नाजरीन, इस न्यूज के ब्रेक होते ही मुसलमान सड़कों पर आ गए। फलस्तीन के जो मुसलमान हैं उन्होंने फलस्तीन का झंडा जो है वो लहराना शुरू कर दिया। फलस्तीन में मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं जो है वो गूंजना शुरू हो गई, सदाएं लोगों ने लगाना शुरू कर दी और काफी लोगों ने विक्ट्री के निशान से अपनी जीत को जाहिर किया और उन्होंने अपनी विक्ट्री और इसराइल की जो है वो नाकामी को जो है वो शो किया। हमास के एक लीडर हैं, उन्होंने अपनी एक विक्ट्री के निशान के साथ अपनी पिक्चर शेयर की है। खलीलुल हया उनका नाम है, उन्होंने वी के साइन के साथ अपनी जो ट्वीट जो है वो उन्होंने शेयर किया और उन्होंने अपनी विक्ट्री जाहिर की है, हमास की विक्ट्री जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि ये हमारी जीत है, इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है और वो अब जीत चुके हैं। मुसलमानों ने हजारों मुसलमान सड़कों पर निकल आए और उन्होंने जो है वो फलस्तीन के झंडे हैं लहराने शुरू कर दिए। ये साथ आप फुटेजेस भी देख सकते हैं। मिस्र के प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्रेसिडेंट जो बाइडन का। उन्होंने कहा है कि जो बाइडन ने इन मामलात को सुलझाने में काफी जो है वो मदद की है, उन्होंने बड़ा रोल अदा किया है जो बाइडन की तरफ से, और मिस्र के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से अब एक डेलीगेशन भेजा जाएगा, एक टीम भेजी जाएगी, वो जाकर चेक करेगी कि दोनों अतराफ से सीज फायर जो है वो जंग बंदी जो है वो हो चुकी है या नहीं, किसी तरफ से कोई फायरिंग या मिसाइल फेंकने रॉकेट फेंकने के कोई जो वाकया तो नहीं हो रहे। नाजरीन, इसराइल और हमास के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी हो चुकी है। जंग बंदी का इतलाक फ्राइडे 2 AM से हो जाएगा, यानी कि आज के दिन 2 बजे से जंग बंदी का मुकम्मल ऐलान हो चुका है। जंग बंदी के ऐलान के बाद हर तरफ जो है वो फलस्तीन में मुसलमान सड़कों पर निकल आए। नाजरीन, इस सारे मामलों में इसराइल की तरफ से जितने भी जारहियत का निशाना बनाया गया फलस्तीनियों को, उनके बिल्डिंग्स को, उसमें जो भी नुकसान हो चुका है, अब